बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर के साथ। यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा का अंग्रेजी पेपर लीक हो गया है। अंग्रेजी पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने नजर बनाई है। 24 जिलों में पेपर को रद्द किया गया। सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। एसटीएफ इसकी जांच कर सकती है। 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त हुई। आज दोपहर 2 बजे से होना था अंग्रेजी का पेपर। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और सॉल्व पेपर दोनों लीक हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है कि इस पर जांच की जाए। एसटीएफ इसकी जांच कर सकती है। तो परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का मामला, 24 से ज्यादा जिलों में पेपर को रद्द किया गया। जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जय, अंग्रेजी पेपर लीक होने का मामला सामने आया, बच्चों ने कड़ी मेहनत करने के बाद जब सेंटर पहुंचे तो पता चला पेपर रद्द हो गया है, क्या कहेंगे? जी ना बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बताते चलिए कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने का मामला सामने आया। पेपर लीक होने की अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो 24 जिले हैं उनमें यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के अंग्रेजी की परीक्षा को आज रद्द कर दिया गया है। इंटरमीडिएट के अंग्रेजी परीक्षा विषय की जो सीरीज है 316 ईडी तथा 316 ईआई के प्रश्न पत्र के प्रश्न की आशंका को जताया जा रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि ये 24 जिले हैं जिसमें आज अंग्रेजी के द्वितीय पेपर को 2 बजे से होना था उसको निरस्त कर दिया गया। जिन जिलों में पेपर निरस्त किए गए हैं उसमें आपको बता दें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, खानपुर, बिहार, एटा, और आपको बता दें कि एटा के साथ साथ जिस तरीके से ये 24 जिले हैं उनमें कहीं ना कहीं शामली ये भी पूरी तरह से ग्रस्त है, जिसमें आज पेपर लीक के मामले को लेकर इन 24 जिलों में जो है पेपर निरस्त कर दिए गए। जहां अन्य जिले हैं वहां पर पूर्ण व्यवस्था के साथ पेपर कराए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छात्र अपने भविष्य को लेकर पेपर की तैयारी करते हैं उसके बाद अचानक से ये पेपर निरस्त हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बड़ी एक मेहनत पर जिस तरीके की मेहनत उसको लेकर उनको बड़ा दुख होता है और फिर से पेपर देना पड़ता है। तो इसको कहीं ना कहीं अगर व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो व्यवस्था को लेकर यही मांग की जा रही है कि इन पेपरों को किस तरीके से लीक हुआ इन पर जांच कराई जाए और इन तरह से जिस तरीके से पेपर लीक होते इन पर ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं शिकंजा कर पाए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो ट्वीट कर उन्होंने इस पर निशाना साधा और कहा कि दूसरी पारी जरूर शुरू हो गई बीजेपी की, लेकिन पेपर लीक होना बंद नहीं हुए, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले भी एक बार पेपर निरस्त का मामला आया था तब भी विपक्ष ने हमला बोला था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद ये पेपर लीक का मामला फिर आया है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने फिर से जताया कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें अभी भी लापरवाही हो रही है और इस तरीके से पेपर लीक के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं और माना ये जा रहा है कहीं ना कहीं जो बच्चों के भविष्य को लेकर है उनसे अभी भी खिलवाड़ हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी कि जो भी या विपक्ष का जो भी नेता हो इसका साफ कहना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के मामले में लापरवाह नजर आ रही। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।